वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो ताकि फिजिक्स के आगे की वीडियोस भी आपको मिल सकें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। कई वैरायटी के क्वेश्चंस इस पे फ्रेम होते हैं, तो लेट स्टार्ट विद द ग्राफ्स। लीनियर मोशन का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी जरूरत हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्क पावर एनर्जी है, जहां भी कहीं ग्राफ की बात आएगी वहां हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सबसे पहला कंसेप्ट है स्लोप का, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है। फिजिक्स में इसका थोड़ा सा यूज है, हम लोग उसी उसको कवर करेंगे। स्लोप होता क्या है? स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। अब ये थीटा क्या चीज है? कोई लाइन है वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितने का एंगल फॉर्म कर रही है। जैसे यहां टोटल तीन संभावनाएं बन सकती हैं, एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल की और 90 डिग्री की। क्वेश्चंस में जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो दो, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। तो अगर कोई लाइन है, जैसे ये कोई लाइन है, तो जहां पे ये टच कर रही है इसे ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, और ये एंगल थीटा अगर है, यानी अगर ये एंगल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, तो स्लोप यानी टेन थीटा, थीटा फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो एंड सो ऑन, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू, तो वो केस हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन या सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए टेन भी पॉजिटिव होगा, तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यानी अगर लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ में वो एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी हम कह सकते हैं एम इज पॉजिटिव। एम इज क्या है? वो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर यही लाइन ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करने लगे, ध्यान ये दो स्टूडेंट्स, ये लाइन जहां पे जाके टच करेंगे इस पॉइंट को हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, तो ये जो एंगल लेंगे ये हमारे काम का है। यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में हो तो ऑब्ट्यूस एंगल है, और इस कंडीशन में हमें स्लोप नेगेटिव मिलता है। स्लोप का कंसेप्ट ग्राफ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप टेन थीटा है, थीटा उस लाइन का एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ में। दो कंडीशन बनती हैं, एक्यूट की जब स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस की जब स्लोप नेगेटिव होगा। वीडियो को पॉज करो, इतने को नोट करो, यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सटी ग्राफ की। एक्सटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का टाइम के साथ में क्या रिलेशन होगा और उसको अगर हम ग्राफ में रखते हैं, यानी एक्सटी ग्राफ। चलो सबसे पहले देखते हैं एक्सटी ग्राफ को। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। तो हमें कंसेप्ट ये ध्यान रखें कि स्लोप यानी टेन थीटा, और जब हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ की तो ये स्लोप देगा हमें वेलोसिटी, जो कि डीएक्स बाई डीटी होती है लीनियर मोशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें, हमारे पास अगर कोई ग्राफ हो और हमें उसे इंटरप्रेट करना हो, हमें उसे समझाना हो कि ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इस ग्राफ से क्या, इसमें वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी उसका जो नेचर है वो हमसे एक्सप्लेन करने को बोला जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक्सटी ग्राफ है,
यहाँ x है, यहाँ t है, हमारे पास ये xt ग्राफ ऐसे है, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। अगर हम इस टाइम पर देख रहे हैं तो पोजीशन ये है, आगे देखा हमने पोजीशन ये है, पोजीशन सेम, यानी हम ये देख रहे हैं इस ग्राफ के मुताबिक तो पोजीशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये पार्टिकल या जिस पार्टिकल को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये पार्टिकल रेस्ट पे है, क्योंकि पार्टिकल मोशन कर ही नहीं रहा। कैसे पता? क्योंकि टाइम की किसी भी वैल्यू पर हम देख रहे हैं, हमें पोजीशन सेम दिख रही है, तो ग्राफ हमें बता रहा है पार्टिकल एट रेस्ट। क्या यही बात हमें स्लोप से भी मिल सकती है? ध्यान क्या रखना है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। स्लोप यानी उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ये लाइन, इस बात से स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज मत होना कि एक्स तो यहां है, यहां तो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कुछ भी हो सकती थी, जिस एक्सिस पर बॉडी का मोशन होना है। यहां पे स्लोप में जो आप थीटा लेते हो, वो उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेते हो। अब यहां एक्स एक्सिस पे चाहे टाइम हो, यहां चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर आप देखो तो कितना है? 0 डिग्री। तो क्या वो बात हमें यहां से भी मिल रही है? यस, यहां से हमें स्लोप 0 मिल रहा है। सिंस स्लोप इज 0, देयरफॉर वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कि पार्टिकल रेस्ट पे है, टाइम के हर वैल्यू पर पोजिशन सेम। हमारे पास एक दूसरा ग्राफ हो, चलो उसको देखते हैं। हमारे पास अगर एक्स टी ग्राफ है, सपोज ऐसे, यहां x है, यहां t है, हमें फिर वही बताना है। अब एक बात तो तय है कि पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, हमें यह पता है टाइम के अलग अलग वैल्यूज पर हमें अलग अलग पोजिशन मिल रही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वहां पर दो संभावनाएं बन जाती हैं, कि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब देखा जाए ये कौन सी कंडीशन बनती है, पार्टिकल रेस्ट पे तो नहीं है, लगातार उसका जो पोजीशन है उसकी बदलती चली जा रही है। ये एंगल, ये हमारे पॉजिटिव स्लोप वाली की कंडीशन है जो पहली फिगर बनाई थी हम लोगों ने स्लोप की। तो ये लाइन जो एंगल बना रही है थीटा, ये पॉजिटिव का केस है, ये एक्यूट का केस है। तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव है। स्टूडेंट जरा ध्यान दो दोनों बातों पे। कांस्टेंट है ये कैसे पता चला? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब तक उसका स्लोप जो भी है वो फिक्स है, यहां पे वो कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन होने के कारण, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट। पॉजिटिव ये कैसे पहचाना हम लोगों ने? पॉजिटिव क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव का केस है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। क्लियर? यानी इस बात को आप ऐसे समझो कि कोई पार्टिकल है, कोई कार है, वो पॉजिटिव एक्स में चल रही है। यानी जहां से हमने इस मार्कर को पकड़ा, हम लोग ये कहते हैं कि ये अगर ओरिजिन है तो पार्टिकल इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और 10 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा है। दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0। इसी बात को एक बार फिर से देखते हैं इस ग्राफ के लिए। सपोज हमारे पास ग्राफ है ऐसे। अब स्ट्रेट लाइन तो ये अब भी है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट फिर से है, लेकिन अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस, ये पता चलेगा हमें स्लोप से। ये एंगल हमारा सेकंड केस हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल का केस हुआ, इसलिए ये नेगेटिव वेलोसिटी का केस बना। वेलोसिटी कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, यानी आप ये कह सकते हो कि कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ चल रहा है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। अगेन पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो यहां भी 0 ही होगा। अगर किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ना हो तो क्या हमारे पास, अगर कोई ऐसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या, अब वहां क्या केसेस बनते हैं? चलो अब इसको सीखते हैं हम लोग। हमारे पास अगर कोई एक्सटी ग्राफ है जो कि नॉन लीनियर है, सपोज हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ है जो कि नॉन लीनियर है, जो कि ऐसे है, हमें इसको एक्सप्लेन करने को बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंजेंट खींचो और उस टेंजेंट का स्लोप चेक करो और स्लोप का बिहेवियर चेक करो। क्या मतलब हुआ इन सारी बातों का? एक बात तो बड़ी क्लियर दिखाई देती है कि ये पार्टिकल की जो पोजिशन है वो चेंज कर रही है, तो पार्टिकल रेस्ट पे तो बिल्कुल नहीं। नंबर वन, चलो एक बात किनारे हुई। अब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नहीं चल रहा, ये कैसे पता कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है? सारे ग्राफ्स में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एटसेट्रा सब में आप देखोगे तो स्लोप चेंज करता है, यानी यहां उस केस में कहेंगे हम वेलोसिटी चेंज करती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी चेंज करती है। तो अब इसमें क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट खींच के चेक करो। देखो जैसे यहां टेंजेंट हमने लिया तो हमें ये एंगल मिलेगा, वही टेंजेंट अगर हम आगे जाके लें तो यहां एक मान लो एक लाइन हम खींच दें तो हमें ये एंगल मिलेगा, एक लाइन यहां खींच दें तो ये एंगल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केस तो ये भी पॉजिटिव का ही केस है। मान लेते हैं अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री से कम है, या एक लाइन खींचो तो ये 60 डिग्री से कम है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव कैसे पता चला, स्लोप पॉजिटिव है। आप चाहे यहां खींचो लाइन को, टेंजेंट खींचो, चाहे आप यहां टेंजेंट खींचो, जो एंगल मिलेगा वो एंगल पॉजिटिव ही मिलेगा। एंगल पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का केस। अगर एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि यहां 60 डिग्री है तो यहां 60 डिग्री से कम है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्लोप चूंकि घटता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। समझो इस बात को, कोई कार पॉजिटिव एक्स में चल रही थी पहले 10 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में चल रही थी पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से, अब वो घट करके 8, 7, 5, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब एक्सीलरेशन तो है इस पर, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वो निगेटिव है। एक्सीलरेशन निगेटिव है या पॉजिटिव है ये वेलोसिटी के हिसाब से तय होता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो घट रही है तो एक्सीलरेशन का मतलब निगेटिव है, और इसी को तो आप रिटार्डेशन बोलते हो, यानी टेंजेंट खींचोगे और वहां से ये चेक कर लोगे कि वेलोसिटी का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव कैसे तय हुआ, स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग कैसे तय हुआ, स्लोप डिक्रीज कर रहा था। इसलिए हमने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चल रहा है और उसकी वेलोसिटी घट रही है, वो 4, 3 एंड सो ऑन घटती चली जा रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जो उसको अपोज कर रहा होगा। फिर देखते हैं, हमारे पास अगर एक्सटी ग्राफ है, हमारे पास अगर एक्सटी ग्राफ है ऐसे, हमें इसे एक्सप्लेन करने को कहा गया हो, अगेन हम टेंजेंट खींचें। अब जैसे यहां टेंजेंट खींचा हमने, ये एंगल मिल रहा है हमको, हम यहां कहीं आगे खींचें तो जो टेंजेंट मिलेगा उसका एंगल हमको बड़ा मिल रहा है, एंगल बढ़ रहा है। दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव है, वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव है और स्लोप चूंकि बढ़ता जा रहा है इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब उसकी वेलोसिटी 3, 4, 5 एंड सो और बढ़ती चली जा रही है। कोई गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, ये तभी पॉसिबल है जब उसने एक्सेलरेटर लिया हुआ हो, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा हो। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन भी
पॉजिटिव होना चाहिए। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना चाहिए। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के दिशा में होना चाहिए। स्टूडेंट इसको पॉज करो और नोट करो, इसको आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने अभी पोजीशन टाइम ग्राफ का सीखा। यानी अगर एक बार हमें पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आसान हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं होता। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। यानी स्लोप एम अगेन वुड टेन थीटा। अब वीटी ग्राफ है, इसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन यानी डीवी बाय डीटी। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। फिर वही बातें आ जाती हैं, फिर वही ग्राफ्स आ जाते हैं। पहला ग्राफ अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ऐसे हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और हमसे कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है और लगातार सेम मेंटेन है। पॉजिटिव हमें कैसे पता चला, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम कई बार किसी एक जगह का कंसेप्ट दूसरी जगह लगाने लगते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोगों ने स्लोप लिया, वहां से वेलोसिटी मिली हमको, लेकिन जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो अगर ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे होता अगर तो नेगेटिव। तो टाइम के साथ ये ग्राफ पैरेलल है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कैसे पता चल रहा है, यहां पे ग्राफ ऊपर है। अगर ये ग्राफ यहां से नीचे ऐसे खींचा गया होता तो वेलोसिटी नेगेटिव में होती। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कैसे पता, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस ग्राफ से हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। पॉजिटिव कैसे है, ग्राफ ऊपर है लाइन, और अगर ये नीचे होता लाइन ऐसे होती तो हम बोलते हैं वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है, अब क्या है भाई, वेलोसिटी चेंज तो कर रही है, टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, ऊपर है ग्राफ, इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन तो होना तो चाहिए। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा, अब यहां एक्सेलरेशन पता चलेगा हमें स्लोप से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन यानी हम अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखें, ये एंगल देखें, ये एंगल थीटा, तो पॉजिटिव का केस बना, पॉजिटिव स्लोप का केस बना, तो एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव है, और अगेन स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये स्लोप कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो ये पॉजिटिव में कांस्टेंट है। यानी आप इसको आपको ऐसे समझो कि कोई गाड़ी पॉजिटिव एक्स में जा रही है और उसके प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जा रही है। पहले वो रेस्ट पे था, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, यानी वो लगातार ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। तो स्लोप से एक्सेलरेशन मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव है ये ग्राफ के बिहेवियर से पता चला, ग्राफ ऊपर है या नीचे है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो वो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, या वीडियो को एक बार पहले फिर से देख करके स्लोप के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेगा। चलो बढ़ाते हैं इसी कंसेप्ट को आगे। अगर ये वीटी ग्राफ हमारे पास ऐसे हो, अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, बहुत आसान हो गया, जैसे पोजिशन टाइम में किया था आसान हो गया। अब ये वेलोसिटी पॉजिटिव तो अभी भी है,
ग्राफ अभी ऊपर ही है, नीचे नहीं आया है, इसको हटा देते हैं, बल्कि टाइम अभी यहां तक वो वेलोसिटी ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन अब क्या है वो डिक्रीज कर रही है, घट रही है। पहले पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो अब वो 8, 7, 6 एंड सो ऑन, उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। एक्सेलरेशन ये हमें मिलेगा यहां स्लोप से, तो ये स्लोप, ये ग्राफ, ये थीटा, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, निगेटिव है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। यानी फॉर एग्जांपल कहा जाए कि पार्टिकल पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो अब उसकी वेलोसिटी 10 से घट रही है, 8, 7, 6 ऐसे हो रही है, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, कांस्टेंट है, तो हर सेकंड वो उतने का ही चेंज प्रोड्यूस कर रहा होगा। यानी अगर हम ये एक डाटा के हिसाब से कहें कि अगर एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और अपोजिट डायरेक्शन में है, रिटार्डेशन है, तो पर सेकंड वो वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड कम कर रहा होगा। पहले वो 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद घट करके 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो स्लोप से पता चल रहा है यहां पे हमें क्या, एक्सेलरेशन। नोट करो इसको। अब मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जैसे हम लोगों ने पोजीशन टाइम में देखा, अगर वो नॉन लीनियर हो, अगर वो नॉन लीनियर ग्राफ हो तो कैसे करेंगे, तब उसका क्या कंसेप्ट है? सेम कंसेप्ट जो पोजीशन टाइम में चलाया था वो यहां भी चला सकते हो, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियर दे दे एग्जामिनर क्वेश्चन, क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दिया जाए कि ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बताओ भाई इसका बिहेवियर कैसा है, क्या है, फिर वही काम करो। पहले ये चेक करो ग्राफ कहीं नीचे तो नहीं चला गया, नहीं, ग्राफ अभी ऊपर ही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये चेक करो कि जो इसका स्लोप है उसका बिहेवियर क्या है, टेंजेंट खींचा, यहां का एंगल, अब थोड़ा सा आगे का एंगल कंपेयर करो, कंपेयर करो, तो एंगल कम होता जा रहा है, यहां अगर 60 डिग्री है तो यहां पे आगे थोड़ा दूरी पर कंपेयर करोगे तो आसानी हो जाएगी, आगे कंपेयर करो, जैसे यहां एक लाइन खींचो तो ये एंगल उससे कम है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो है तो पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन, एक बार फिर से ध्यान दो, ये टेंजेंट खींचा, ये स्लोप, ये मान लो 60 डिग्री एंगल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। आगे अब यहां कहीं अगर लाइन खींचो तो ये एंगल 60 डिग्री से कम है, इसका मतलब जो स्लोप है वो कम हुआ, तो एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव क्योंकि एंगल एक्यूट आया, किसका एंगल, स्लोप टेन थीटा, और आगे चल के वो घटता जा रहा है तो इसका मतलब इसलिए वो डिक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। क्या मतलब हुआ इस बात का, गाड़ी पॉजिटिव एक्स में चल रही है, एक्सेलरेशन पहले 4 का था, घट के 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, लेकिन जब तक वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। एक्सेलरेशन का घटना और रिटार्डेशन दोनों दो अलग बातें होती हैं। एक्सेलरेशन का घटना मतलब पहले आपने एक्सेलेटर फुल लिया हुआ था, अब आपने एक्सेलेटर हाफ लिया है और कम किया है, लेकिन किसी भी कंडीशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, घट नहीं रही, जब वो घटती है तब वो रिटार्डेशन। अब अगर ये क्लियर है आपको तो ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ में भी देखा था। कैसे होगा, अगेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ग्राफ अभी ऊपर ही है, एक्सेलरेशन, यहां टेंजेंट खींचा, आगे टेंजेंट खींचा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, डिक्रीज कर रहा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, दोनों के डिफरेंस को समझो, दोनों के डिफरेंस को समझो, एक केस में जो स्लोप था वो डिक्रीज कर रहा था, एक केस में जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है।
क्लियर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसका डाटा दे करके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मांगा जाता है। क्या है इसका कंसेप्ट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास कुछ कैसा भी नेचर का दिया हो, सपोज हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ और हमसे पूछा जाए कि बताइए इसमें इसका डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कितने का ट्रेवल किया और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है? हम ऊपर के एरिया को निकालें, इस एरिया को अगर हम A1 नाम दे दें, कौन सा एरिया हो गया ये वाला पूरा एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। नीचे वाला ट्राइंगल हम का एरिया निकाल लें, लेट अस कॉल इट A2। तो A1 और A2 क्या है? एरियाज। कहां के एरियाज? कहां के एरियाज? ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, ये तो A1 A2। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एग्जामिनर पूछे तो डिस्प्लेसमेंट यानी पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दो। सपोज आपने सॉल्व किया और ऊपर ये एरिया आया 10 और ये जो नीचे वाला एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लगा के निकाला तो ये आया अगर 4, ऊपर 10 नीचे 4, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 10-4 यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी 6। और अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है यहां से लेके इस जगह तक के बीच में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल क्या किया, तो कुछ नहीं करना है, बस इस एरियाज को आपस में ऐड कर दो। क्लियर? हाँ स्टूडेंट्स, तो लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोगों ने पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम देख लिया, लास्ट ग्राफ एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसी काम का नहीं है, यानी हमें उसके स्लोप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कई बार लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप भी यूज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम का भी यूज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप भी कुछ देता होगा? नहीं। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं देता, यानी उसकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं पड़ती है। एटी ग्राफ बहुत सिंपल ग्राफ है, सबसे सिंपल ग्राफ है। एटी ग्राफ में ज्यादा वैरायटीज भी फॉर्म नहीं होती हैं। अगर हमें एटी ग्राफ, जैसे हम लोग पहला ग्राफ ले रहे थे पोजीशन टाइम में और वेलोसिटी टाइम में, तो वो जैसे एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ साथ में हम ये देख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, सबसे ज्यादा इसी ग्राफ की जरूरत पड़ती है, मोशन अंडर ग्रेविटी, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे वो बॉल थ्रोन अप हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, तो हमेशा उसको निगेटिव, यानी सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसी की पढ़नी है मैकेनिक्स में, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है नीचे होने के कारण और कॉन्स्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरत इसी ग्राफ की पड़ती है। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एटी ग्राफ, कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे है, तो इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, और कैसे इंक्रीज कर रहा है? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग लीनियरली। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, उसका हमें कहीं कोई यूज करना नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, अगर हम ये कहते हैं कि एटी ग्राफ हमारे पास, जैसे इस ग्राफ का अपोजिट केस लें, तो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास ये ग्राफ ऐसे हो, ऐसे हो, तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग लीनियरली है और ये रिटार्डेशन नहीं कह सकते। कई बार स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं
कि एक्सेलरेशन अगर रिड्यूस हो रहा है तो वही रिटार्डेशन है, नहीं, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन के घटने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर एक्सेलरेशन 4 का था तो मान लेते हैं ये डाटा यहां पर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो पर सेकेंड वेलोसिटी 4 इंक्रीज हो रही होगी, यहां पर एक्सेलरेशन ये घट के मान लो 2 का रह गया तो इसका मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी अब 2 इंक्रीज कर रही होगी, यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज से रिलेटेड है वो, ठीक है, ये रिटार्डेशन नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग का केस बना और ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, रेयर जगहों पर जरूरत पड़ती है, अगर ये ग्राफ हो तो उसे कहेंगे कि वो नॉन लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स लास्ट ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम में सिमिलर है वेलोसिटी टाइम के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दे रहा था, वो कंसेप्ट यहां भी चल सकता है एक डिफरेंस के साथ में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी का चेंज देगा, ग्राफ करीब करीब ऐसा ही, ग्राफ करीब करीब ऐसा ही, अगर हम इस ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव एरिया को A1 कह दें, हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाला एरिया इसको अगर हम A2 नाम दे दें, ऊपर का एरिया A1 नीचे का A2, तो पॉजिटिव एरिया को अगर हम A1 कह दें, नेगेटिव एरिया को अगर हम A2 कह दें, ट्रायंगल है फिगर के मुताबिक, ये कोई फिगर हो सकती है तो हम उसका एरिया लगाएंगे, अगर ये स्क्वायर होता तो हम लेंथ इनटू ब्रेड, ब्रेड की लेंथ के बराबर होती तो साइड स्क्वायर कर देते, अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू ब्रेड चला देते। एरिया ऊपर का अगर A1 है नीचे का A2 है तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ये बराबर पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो और एग्जामिनर तुमसे वेलोसिटी का चेंज मांग रहा हो तो पॉजिटिव एरिया यानी जो पॉजिटिव वाइब एरिया है उसको निकाल लो, उसमें से नीचे वाले एरिया नेगेटिव एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दो, तुम्हें वेलोसिटी का चेंज मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ काइनेमेटिक्स का एलिमेंट्री ग्राफ्स, जिसमें हम लोगों ने पोजिशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखा। अब इसको आप लोग रिवाइज करो और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक उठाएंगे, कोई और फिजिक्स का कंसेप्चुअल टॉपिक उठाएंगे और उस कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।